हमारे सरकार गठन से अब तक 38,933 युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है। साथ ही तीसरी और चतुर्थ वर्ग के करीब 26,000 पदों का नियुक्ति पत्र शुरू हो गया है। हमारा यही लक्ष्य है कि अगले 6 महीना के अंदर 1,00,000 युवा युवती को सरकारी खंड में हम लोग नौकरी का मुहैया करवाऊंगा। राज्य के राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिए कदम उठाया गया है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र पर एक 6 लेन युक्त पुल का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इसके अलावा अन्य 2 पुलों का निर्माण के लिए भी कदम उठाया गया है। सरायघाट पुल के पास ब्रह्मपुत्र पर रेल और वाहनों की आवाजाही के लिए अन्य एक नया पुल के निर्माण के लिए भी केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दिए है। हमारे सरकार ने ऐसे ही कोई सारे जनकल्याणमूलक काम कर रहा है। आज आमी गौरव अनुभव करूं जे आमार राज्य 19,00,000 परियाले प्रति माहर 10 तारीखे बैंक जुगे 1,000 टका कोई लाभ करिसिले। एई धनराशिर परिमाण जुआ 10 अक्टोबर परा 1,250 टका लैके बृद्धि करा हैछे आरु 6,00,000 नतुन परियालक एई आसरी आमी सामरिल। माइक्रो फाइनेंस से ऋण लेकर मुश्किलों का सामने करने वाली महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए आसाम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना के माध्यम से हमने लगभग 9,00,000 महिलाओं को लाभान्वित किया है। किसानों से 940 रुपया MSP पर धान खरीदने के लिए हमने कदम लिया था। इसमें राज्य के लगभग 43,938 किसान लाभान्वित हुआ है।